दोस्तों, एक कलेक्टर साहिबा अपनी सरकारी लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर एक 5-स्टार होटल पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद होटल के अंदर जितना भी स्टाफ था और जितने भी कस्टमर वहां खाना खा रहे थे, वह सभी लोग कलेक्टर साहिबा की तरफ देखने लगते हैं। इतनी देर में ही कलेक्टर साहिबा होटल के अंदर आ जाती हैं और अंदर जाने के बाद वह सभी वेटर जो वहाँ पर खड़े हुए थे, उनमें से एक वेटर के मैडम पैर छूने लगती है। अब इस नज़ारे को देखने के बाद वहाँ जितने भी लोग थे वो सभी लोग हैरान रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि यह इतनी बड़ी कलेक्टर साहिबा है और इस एक मामूली से वेटर के पैर क्यों छू रही है। दोस्तों, कौन थी वह कलेक्टर साहिबा और क्या रिश्ता था उनका इस वेटर से, आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। दोस्तों, एक परिवार के अंदर पति पत्नी रहते थे और उनकी एक बेटी है। जो पति होता है उसका नाम अनमोल होता है। अनमोल मेहनत मजदूरी किया करता है और मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाया करता है। इसी पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उनकी बच्ची जब 4 साल की होती है तो अचानक से उसकी पत्नी की किसी बीमारी के कारण से मौत हो जाती है और पत्नी के मौत होने के बाद अब घर में केवल 2 सदस्य रह गए थे, बाप बेटी। तो जो अनमोल होता है उसकी फैमिली वाले उसे समझाते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम दूसरी शादी कर लो, अभी तो तुम जवान हो। लेकिन जब अनमोल अपनी 4 साल की बेटी की तरफ देखता है, उसके फ्यूचर के बारे में सोचता है, तो उन लोगों से साफ साफ मना कर देता है। वह कहता है कि मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा, अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो मैं दूसरी जो पत्नी आएगी वह पता नहीं कैसी होगी, मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार रखे। अक्सर ऐसा होता रहा, अनमोल ने कई बार देखा और सुना भी था। इसके बाद अनमोल ही अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगा, फैसला कर लेता है और इस तरह से मेहनत मजदूरी करके उसे पाल पोस कर बड़ा करने लगता है। दोस्तों, उस बच्चे का नाम उन्होंने राधिका रखा था और राधिका अब स्कूल जाने लगी थी। अनमोल मेहनत मजदूरी किया करता और अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रख रहा था और उसकी पढ़ाई लिखाई भी उसे आगे बढ़ा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ राधिका भी अब 10वीं क्लास में आ गई थी। और जैसे ही वह 10वीं क्लास में आती है तो एक दिन अनमोल उससे कहता है कि बेटी, अगर तुम 10वीं कक्षा में अच्छे नंबर ले आओ तो मैं तुम्हारी किसी भी एक इच्छा को पूरा कर दूंगा। दोस्तों, गरीब लोग थे। अब इस बात को सुनने के बाद राधिका बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि क्या सच में पापा आप मेरी इच्छा पूरा करोगे। तो अनमोल कहता है कि हाँ मेरी बेटी, जो तुम चाहोगी मैं वह करके दूंगा। उसके बाद उसकी बेटी कहती है कि पापा, अगर मैं 10वीं क्लास में अच्छे नंबरों से पास हो जाती हूँ तो आप मुझे किसी 5-स्टार होटल में डोसा खिलाकर लाओगे, मेरी सिर्फ यही एक इच्छा है और मैं 5-स्टार होटल के अंदर बैठकर डोसा खाना चाहती हूँ। इसके बाद अनमोल अपनी बेटी से वादा करता है। और इधर जो राधिका होती है वह भी दिन रात मन लगाकर अपनी पढ़ाई करती है, कड़ी मेहनत और तैयारी के साथ अपने बोर्ड के एग्जाम देती है। तो दोस्तों, जो राधिका होती है वह 10वीं क्लास में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। राधिका ने न केवल अच्छे नंबर प्राप्त किए थे बल्कि पूरे जिले को टॉप कर दिया था। अब यह बात जैसे ही अनमोल को पता चलती है उसकी बेटी ने पूरे जिले को टॉप कर दिया है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह कहता है कि बेटी, अब मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। उसके पिता ने काफ़ी दिनों से कुछ पैसे जोड़कर रखे थे उसकी बेटी को 5-स्टार होटल में डोसा खिलाने के लिए। अगर वह ज़्यादा नंबर ना भी ला पाती तब भी वह उसे डोसा खिलाकर वो लेकर जाने वाला था। लेकिन अब 2 गुना खुशी के साथ जा रहा था। इसके बाद अनमोल तैयार होता है और अपनी बेटी से भी तैयार होने के लिए कहता है। फिर अपनी बेटी को लेकर वहाँ के सबसे बड़े 5-स्टार होटल में पहुँच जाता है। अनमोल के पास साधारण से कपड़े थे, वह बहुत पुराने कपड़े थे जो उसने पहन रखे थे, और उन्हीं कपड़ों को पहनकर वह 5-स्टार होटल के अंदर एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। अब वहाँ पर जो लोग खाना खा रहे थे वो उनकी तरफ अजीब तरह से देखने लगते हैं और कुछ कुछ बड़बड़ाने लगते हैं। तभी उनके पास एक वेटर आता है जिसका नाम रमेश होता है। वेटर उनसे पूछता है कि हाँ जी सर, बताइए आपको क्या खाना है। उसके बाद अनमोल कहता है कि मेरी बेटी के लिए एक डोसा ले आओ। तो रमेश उनसे पूछता है कि सर आपके लिए क्या लेकर आऊँ। लेकिन अनमोल कहता है कि मुझे कुछ नहीं खाना है, मैं केवल अपनी बेटी को डोसा खिलाने के लिए यहाँ पर लाया हूँ, क्योंकि इसने अपनी इच्छा के तौर पर मुझसे बताया था कि अगर मैं 10वीं क्लास को टॉप कर देती हूँ तो फिर आप खिला देना, तो मेरे पास सिर्फ उतने ही पैसे हैं कि मैं अपनी बेटी को डोसा खिला सकूँ, उससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप मेरी बेटी के लिए डोसा ले आइए, या खाएगी तो मुझे भी बहुत बड़ा अच्छा लगेगा। अब इन बातों को रमेश सुनता है तो एकदम से यह बातें उसके दिल पर लग जाती है। वह वहाँ से चला जाता है और होटल के मालिक के पास पहुँचता है और उनसे कहता है कि मालिक, सामने जो टेबल पर वो गरीब आदमी अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ है, उसकी बेटी ने 10वीं क्लास में जिले को टॉप किया है और इसी खुशी में वह अपनी बेटी
बेटी को यहाँ पर डोसा खिलाने के लिए लाया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वह आदमी भी अपनी बेटी के साथ बैठकर खाना खाए, तो मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, उनको अपनी तरफ से खाना खिलाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, मगर जो मेरी सैलरी आएगी आप उसमें से इनके पैसे को काट लेना। अब इस बात को सुनकर होटल का मालिक रमेश से कहने लगता है कि अरे भाई, सारी भलाई तुम ही लूटोगे, जरा हमें भी तो मौका दो। यह बात सुनकर रमेश थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है, लेकिन मालिक उससे कहने लगता है कि रमेश ऐसा नहीं है, अगर इस बच्चे ने जिले को टॉप किया है तो यह हमारे लिए भी बड़े गौरव की बात है, या हमारे जिले के हमारे शहर की लड़की है, तो हम लोग आज इस खुशी के मौके को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी को फ्री में खाना खिलाएंगे। ऐसा कहकर मालिक एक टेबल को अच्छी तरह से साफ करवाते हैं और एक वेटर को केक लाने के लिए बाहर भेज देते हैं। थोड़ी ही देर में केक आ जाता है और केक को उस टेबल पर रखकर अच्छे से डेकोरेट किया जाता है और जो होटल मालिक होता है अनमोल और उसकी बेटी राधिका के पास जाता है और उनको सम्मान के साथ वहाँ से उठाकर उस टेबल पर ले आता है जहाँ पर केक रखा हुआ था। उसके बाद होटल में अनाउंसमेंट किया जाता है कि यह हमारे शहर की लड़की है और इसने 10वीं क्लास में पूरे ज़िले को टॉप किया है, तो इसके खुशी में आज यहाँ पर जितने भी लोग खाना खा रहे हैं उन सब के लिए खाना होटल मालिक की तरफ से फ्री है। ऐसा कहकर उस लड़की से केक कटवाया जाता है और उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता है। अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद अनमोल हैरान रह जाता है और परेशान भी हो रहा था। वह सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि होटल मालिक बाद में उससे पैसे मांगने लगे, क्योंकि उसके पास केवल इतने ही पैसे थे कि वह अपनी बेटी को डोसा खिलवा सके। तो वह बेटर कहने लगता है कि अरे भाई, इतने पैसे मेरे पास नहीं है और देखो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, लेकिन बेटर उन्हें बताता है कि जो होटल के मालिक हैं उन्हें मैंने इस बात के बारे में बताया था और उन्होंने ही यह सब कुछ अरेंजमेंट करवाया है और कहा कि अगर हमारे शहर की लड़की ने जिले को टॉप किया है तो उनकी तरफ से यह पार्टी तो बनती है। इसके बाद होटल मालिक भी वहां पर आ जाता है और वह भी पूरी बात अनमोल को बता देता है। इस बात को सुनने के बाद अनमोल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह होटल मालिक के सामने हाथों को जोड़कर उठकर रोने लगता है, क्योंकि दोस्तों अनमोल ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी के लिए इतना कुछ किया जाएगा, वो भी एक 5-स्टार होटल के मालिक के जरिए। वो तो बहुत गरीब लोग थे, क्योंकि अक्सर सुना जाता है कि अमीर लोग जो होते हैं उनके दया भावना होती ही नहीं है, और यही बात अनमोल तब से सोच रहा था, लेकिन आज उसकी यही सोच बिल्कुल गलत साबित हो गई थी। अब अनमोल अपनी बेटी के साथ वहां पर खाना खाता है और होटल मालिक अपनी तरफ से ढेर सारी मिठाइयां उन्हें दे देता है, कहता है कि बिटिया ने टॉप किया है तो इन मिठाइयों को जाकर अपने मोहल्ले में बांट देना, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि उनके मोहल्ले की लड़की ने कितना बड़ा काम किया है। अब इन सभी चीज़ों को देखता हुआ राधिका के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। वह सोचते हैं कि मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की और मेहनत के बाद जैसे ही मैंने जिले को टॉप किया था उसके बाद सभी लोग उसका सम्मान करने लगे और उसकी तरफ सम्मान की दृष्टि देख रहे हैं। फिर वह होटल मालिक और होटल के बेटर की तरफ देखती है तो उन्हें देखकर उसकी आंखें भी छलकने लगती है। लेकिन दोस्तों राधिका जैसे जैसे करके अपने आप को संभालती है फिर अपने पापा के साथ अपने घर चली जाती है। घर आने के बाद वह पूरे मोहल्ले में उन मिठाइयों को बांटती है। सभी लोग राधिका को बड़ा मान सम्मान करते हैं, उसके पापा की वाह वाह करते हैं, और इसके बाद राधिका अपने मन ही मन में सोचती है कि यह जो कुछ भी आज हमारे साथ हुआ है या मेरी पढ़ाई की बदौलत ही हुआ है, मैं और भी अच्छी तरह पढ़ाई करूंगी और एक अच्छे से मुकाम को हासिल करूंगी। साथ में उसके दिमाग में होटल मालिक और उस बेटर की छवि भी घूम रही थी, आज उसके लिए इतना कुछ किया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ राधिका अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी करती है, उसने और भी ज़्यादा मन लगाकर पढ़ाई की। राधिका पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी तो इसी कारण से उसकी मेहनत भी रंग ले आती है और एक दिन वह जिला कलेक्टर बन जाती है। अब जैसे ही वह कलेक्टर बनती है तो फिर अपने पापा के पास फोन करती है और उन्हें बताती है कि पापा, आपकी बेटी जिला कलेक्टर बन गई है। इस बात को सुनकर उसके पापा खुशी से झूम उठते हैं, जिस तरह से वो खुश हुए थे जब उसने 10वीं क्लास को पूरे जिले में टॉप किया था। फिर अनमोल कहता है कि बेटी, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस बात को सुनने के बाद राधिका को पुराना वह सब कुछ बातें याद आ जाता है जो बातें उसके साथ 10वीं क्लास पास करने के बाद हुई थी, जब उसको एक होटल में ले जाया जाता है और वहां के मालिक और बेटर ने उनका बड़े ही अच्छे से स्वागत किया था, बात उसके दिमाग में आ गई थी। तो फिर वह सोचती है कि चलो ठीक है, मैं जिला कलेक्टर तो बन गई हूँ, लेकिन एक बात, मुझे उस होटल मालिक और बेटर से ज़रूर मिलना है, क्योंकि आज जो कुछ भी राधिका बनी थी वह उन्हीं की बदौलत थी। अगर वो लोग उसका हौसला नहीं बढ़ाते तो शायद राधिका अपनी नहीं करती और इस मुकाम को भी हासिल ना कर पाती। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी ट्रेनिंग भी कम्प्लीट हो जाती है और फिर उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद राधिका अपनी सरकारी गाड़ी को लेती है और सीधा उसी 5-स्टार
स्टार होटल में पहुंच जाती है। और इसके बाद राधिका जैसे ही अपनी सरकारी गाड़ी से अपने गार्ड के साथ वहां पर पहुंचती है, तो वहां जाने के बाद जो होटल के अंदर लोग खाना खा रहे थे और वहां पर जितना भी स्टाफ था वह लोग सभी लोग आश्चर्य भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। तभी राधिका होटल के अंदर जाने लगती है और वहाँ के वेटर को देखने लगती है। देखते देखते उसे रमेश नाम का वह वेटर दिखाई दे जाता है और फिर राधिका उनके पास जाकर पैर उसके छूने लगती है। अब इस नज़ारे को देखकर रमेश भी हैरान रह जाता है। वह उसे ऊपर उठाता है और कहने लगता है कि मैडम आप इस तरह से मेरे पैर क्यों छू रही हो। इसके बाद राधिका हंसने लगती है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि इतनी बड़ी अधिकारी और एक वेटर के पैर क्यों छू रही है। अब राधिका रमेश से कहते हैं कि शायद आप मुझे भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको चाहकर भी नहीं भूल पाई हूँ। रमेश थोड़ा सोच विचार करता है और कहता है कि मैडम मेरी समझ में नहीं आ रहा है आप किस तरह की बातें कर रही हैं। तो राधिका बताती है कि आज से कई साल पहले मैं इस होटल में अपने पापा के साथ डोसा खाने के लिए आई थी और उस टाइम आप ही हमारे टेबल पर आए थे, लेकिन आपने जाकर मालिक को बताया और मालिक ने अच्छी तरह से हमारा स्वागत किया। आज जो कुछ भी एक कलेक्टर बनी हूँ वह आपकी ही बदौलत है। शायद अगर आप मेरा हौसला न बढ़ाते तो मैं अपनी पढ़ाई को एक सीमित दायरे में ही करती। इस बात को सुनने के बाद रमेश को सारी बातें याद आ जाती है और वह भी राधिका को पहचानने लगता है। कहता है कि अच्छा हुआ बेटी जो तुम कलेक्टर बन गई, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम कलेक्टर बनने के बाद भी यहाँ पर हमारे पास इस तरह से आओगी। और इस पूरी बात को सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि कलेक्टर बनने के बाद भी यहाँ पर आई है और उस व्यक्ति के पैर छुए जिसने कभी 10वीं क्लास में उसका इस तरह से स्वागत करके बधाई दिलाई थी। अब राधिका रमेश जिसे होटल के मालिक को बुलाने के लिए कहती है तो रमेश एकदम से मायूस हो जाता है और कहता है कि बेटी जो इस होटल के मालिक थे उन्होंने होटल बेच दिया। तो राधिका उनसे पूछती है कि ऐसा क्या हुआ जो उन्हें यह होटल बेचना पड़ा। तो रमेश उस होटल मालिक की पूरी कहानी उसे बताता है और वह बताता है कि उनकी पत्नी को कोई बीमारी हो गई थी और बीमारी के चलते उन्होंने पहले तो अपने घर को बेचा और घर के बाद जितनी भी उनकी जमीन जायदाद थी अपनी पत्नी के इलाज में बेचकर लगा दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी पत्नी की तबीयत ठीक ना हो पाई और उनकी मौत हो जाती है। पत्नी की मौत का सदमा उन्हें बहुत गहरा लगता है और इसी कारण से वह शराब पीने लगता है और शराब पीकर इधर उधर घूमा करते हैं। उनके परिवार में और कोई नहीं था, उनकी कोई संतान भी नहीं थी और वह ऐसे ही इधर उधर घूमा करते थे। एक दिन मुझे वह ऐसे ही घूमते हुए मिल जाते हैं और उसके बाद मैंने उन्हें अपने घर पर रख लिया है और उनको रखकर उनकी सेवा किया करता हूँ। इस बात को सुनकर राधिका को बड़ा ही दुख पहुँचता है और उसकी आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। इसके बाद राधिका रमेश जी को अपनी गाड़ी में बिठाती है और उनके घर पर जाने के लिए अपनी कार को लेकर वहाँ के लिए निकल जाती है। वहाँ जाने के बाद वो जैसे होटल मालिक को देखती है तो होटल मालिक को देखकर फोड़ फोड़ कर रोने लगती है और वो जाकर उनके पैरों को छूने लगती है। अब होटल मालिक को कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन तभी रमेश बताता है कि मालिक यह वही लड़की है जिनके लिए पार्टी का सेलिब्रेशन आपने होटल में कराया था और सभी लोगों का फ्री में पार्टी दी थी। अब इस बात को सुनकर होटल मालिक की आंखों में आंसू आने लगते हैं।